हाय एवरीवन, दिस इज बॉनी मेहता। वेलकम बैक टू द लाइव लेक्चर। आप लोग मुझे बताएं कि जो ऑडियो और वीडियो का मामला है वो क्लियर है, सब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? मैं दिखाई दूं नहीं दूं, कम दिखाई दे दूं, ये दिखाई दे रहा है आपको? कमेंट करो कि ये दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कुछ दिखाई दे रहा है ऊपर? अच्छा, लाइट, बोर्ड लाइट दिख रहा है। अभी कुछ हुआ, फर्क पड़ा? बोर्ड इज लाइट। यस सर, लिटिल बट मोर इफ यू कैन। ओके ओके, वेट, यस, गिव मी 2 मिनट्स। कुछ ना कुछ करना, डार्क मार्कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा डार्क वाला। बेटा वेट, लेट अस डू दैट, करते हैं। ओके, मैं एक ट्राई कर सकता हूं, क्योंकि है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ही है बेटा। आप ये देखो कि अब दिखाई देता है या नहीं। ये चीज दिखाई दे रही है आपको? ये चीज अच्छा दिखाई दे रहा है या नहीं? जो सॉल्यूशन लिखा है वो क्लियर है? ताकि फिर हो सकता है मार्कर का प्रॉब्लम भी हो सकता है, कि मान लो मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा हो। यस सर, क्लियर है? इट्स बेटर। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपको एक बात बता दूं कि अगर इन केस अभी थोड़ी देर में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है लाइव में, ठीक है, तो लाइव में प्रॉब्लम नहीं है, लाइव में प्रॉब्लम आएगा तो हम करेंगे क्या, हम उसको फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में भेज देंगे आपको। करेक्ट है? ठीक है, क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूँ, इसको ओवरराइट कर देता हूँ। ओवरराइट में ज्यादा ही टाइम लग जाएगा, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि अगर लाइट ये दिख रहा है तो ब्लैक शायद आपको सही दिख पाए। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 540 मीटर स्क्वायर इफ द देयर साइड्स इफ इट्स साइड्स आर इन रेशियो 25:12:17। फाइंड द एरिया। आई होप अब शायद कुछ क्लियर हुआ हो, देख लो। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? डूइंग लिखेंगे ताकि मुझे पता है कि कौन कर रहा है क्वेश्चन। राइट, ओके, करो। ठीक है, इसको भी डार्क कर देते हैं।
डूइंग ओके। तो प्रेम, मंथन और अर्षिता तीन स्टूडेंट ने लिखा डूइंग। छह वॉचिंग आ रहा है। त्रिशा ओके वेलकम। गुड। जिने डूइंग ओके। गुड। एक क्वेश्चन और मैं इधर लिख रहा हूं, वो बाद में करेंगे अभी हम लोग। कोई आंसर तक पहुंचा है अभी मेरा बच्चा? कोई आंसर तक आया? 8100 सेंटीमीटर लिखा मंथन। एक तो ये सेंटीमीटर नहीं होगा बच्चे, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया निकाल रहे हैं ना हम, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा एरिया, ठीक है? और अब देखते हैं कि सही है या नहीं। अभी और भी बच्चे तुम कर रहे हो तो बताओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। गुड मंथन। और कोई आंसर तक पहुंचा? नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो मैं करके दिखाऊंगा आपको, इसमें एक लॉजिक लगेगा जो हर जगह काम आएगा आगे भी। कोई और आया आंसर तक? सर एक्सप्लेनेशन ओके। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग सब, राइट? क्योंकि टाइम का ऐसा है कि पता नहीं है क्या हो, टेक्निकली क्या दिक्कत आ जाए तो मुझे इसको फिर वाइंड अप करना पड़े। देखो एक ट्रायंगल है, सबसे सीधी सी बात, एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स का रेशो दिया है। साइड्स नहीं दिए उन्होंने, उसे साइड नहीं दिए, उसे साइड्स का रेशो दिया है। तो देखो एक अगर मान लो मैं रेशो होता है तो एक्स लेता हूँ ना, कोई भी चीज एज रेशो में दी होती थी तो हम क्या करते थे, उसको एक्स मानते थे। एक को 2x मान लिया, एक को 3x मान लिया, जो भी रेशो में दिया है। तो ये 25x एक साइड हो गई, 12x एक साइड हो गई और 17x एक साइड हो गई। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? अब हमें क्या है, पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर कितना है? 540। सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब 25x
प्लस 17x प्लस 12x इक्वल टू 540, इनका टोटल करो इट विल बी 54x इक्वल टू 540, तो x विल बी इक्वल टू 10, यानी एक साइड कितनी हो गई 250, क्योंकि 25 इंटू 10 करोगे, एक हो जाएगी 170 और एक हो जाएगी 120, करेक्ट है। अब हम s फाइंड करते हैं, सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर चाहो तो इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, या फिर डायरेक्ट पेरीमीटर को डिवाइड बाय 2 कर सकते हो आप। कितना आया 270 सेमी पेरीमीटर, राइट है, मीटर्स के। अब एरिया, बड़ा सा स्क्वायर रूट लगाया आपने, उस क्वेश्चन को अलग है, वो अलग है, पहले इसका कर रहे हैं। s s माइनस पहली साइड 250, s माइनस दूसरी साइड और s माइनस तीसरी साइड, करेक्ट है। अब देखो ये हो गया 270 ऐसे का ऐसा, अगला 20, फिर उसका अगला 100, फिर उसका अगला 1, ओके ओके 270 से माइनस 50, करेक्ट, ओके। अब देखो यहां तक हुआ मामला, यहां तक का क्लियर है, कितना होता है तक की क्लियर है, बताइए। बोलो बेटा यहां तक क्लियर हुआ, कमेंट करो, क्योंकि नेटवर्क से जूझ रहा हूं मैं, मुझे ये नहीं पता कि आपको क्लियर होता है कि नहीं। यहां तक क्लियर है, यस सर, ओके। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा काम क्या है, इसको फैक्टर बनाने का काम है। तो फैक्टर जब बनेंगे तो देखो 27 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 3 × 3 और फिर 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 × 2, राइट है। इसके फैक्टर बनाओगे 2 × 5 × 2, इसके फैक्टर बनाओगे 2 × 5, 10 के हो गए, और 2 × 5 एक और 10 के हो गए, तो 100 हो गया। अगला 2 × 5 तो 10 के हो गए, और 3 × 5 15 के हो गए, बात पकड़ में आ रही है, हमने फैक्टर बनाए, दैट्स इट। अब हम फैक्टर्स को कट करते हैं, बाहर निकालते हैं, ये एक 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, दूसरा 3 बाहर आ गया, फिर 5 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, एक और 2 बाहर ले लिया, 5 बाहर ले लिया, 2 बाहर ले लिया, 5 बाहर ले लिया, तो सारे बाहर आ गए, करेक्ट है। अब मल्टीप्लाई करना है, देखो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, ये 10 10 बन रहे हैं ना, 10 × 10 × 10 1000, और 3 × 3 = 9, तो योर आंसर विल बी 9000 मीटर स्क्वायर। पकड़ में आ गई बात, समझ आ गया तो कमेंट करो कि हाँ समझ आ गया, गॉट इट। समझ आ गया बच्चों, ताकि इसको इरेज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस सर, गॉट इट आर्शिता, गॉट इट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना, थोड़ा अलग है क्वेश्चन, ओके गुड मंथन। ओके अब हम इरेज करते हैं ये वाला क्वेश्चन और यहां सॉल्यूशन करेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन का, ठीक है। देखो कभी भी एरिया निकालने के लिए ट्रेपीजियम दे दिया उन्होंने और साइड्स दे दी, यानी आपको आपने जब 8th में फॉर्मूला पढ़ा था तो एक फॉर्मूला हुआ करता था, यहां लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल
साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो है मेरे पास, ये नहीं दोनों वो 25 और 10, लेकिन हाइट नहीं है, ठीक है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक ट्रेपीजियम है और इसकी साइड्स मुझे दी हैं, ये 10 दे दिया, नीचे ले लेता हूँ इसको 10 को, या चलो इट्स ओके ऊपर भी ले सकता हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10, ये 25 और ये हो गया आपका 14 और ये हो गया 13 सेंटीमीटर, बराबर है। हाइट तो हमें पता ही नहीं है ना इसकी, हाइट तो इन्होंने दी नहीं है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, फॉर्मूला तो ये यूज कर लेंगे हम, मगर हम हाइट फाइंड करने का प्रोसेस करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो हम एक पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन में, जबकि नॉन पैरेलल साइड इक्वल नहीं होंगी, तो ये कौन सा ट्रेपीजियम होगा, स्केलिंग ट्रेपीजियम, ठीक है। अगर वो इक्वल होती तब क्या होता, वो एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक लाइन पैरेलल कंस्ट्रक्ट करेंगे, पैरेलल और इसके इक्वल, हमेशा जब भी ऐसा प्रश्न आए, ठीक है। ये पैरेलल और इक्वल मैंने कंस्ट्रक्ट किया तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। मान लीजिए ये बुक नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ट्रेपीजियम था और ये 25, ये मैंने जब पैरेलल लाइन सी ई कंस्ट्रक्ट की, ये वाली इसके पैरेलल और इक्वल, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो जब ये दोनों ऑपोजिट वाली इक्वल पैरेलल है तो ये भी होगी, सत्य वचन। ये पूरा 25 है तो ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, सही है। अब मुझे एक ट्रायंगल विजुलाइज हो रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला। इस ट्रायंगल में मैं पहले एरिया निकालता हूँ हेरोन फॉर्मूला से, फिर मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके उसकी हाइट निकाल लूंगा। तो जो ट्रायंगल की हाइट होगी वही ट्रेपीजियम की हाइट होगी, फिर मुझे हाइट मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, यहां प्लेस करूंगा और क्विकली मैं अपना आंसर निकाल लूंगा। देखो अब देखो, पहले मैं इस ट्रायंगल में आई विल फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई बी बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मैं ये पूरे मशक्कत मेहनत काहे कर रहा हूं, क्योंकि मुझे हाइट चाहिए और वो हाइट मुझे एरिया से मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, पहले मैंने एस निकाला, 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2 कितना आया, 13 14 दिस इज 7 7 एंड दिस इज 7 12 इट इज 42, तो इट विल बी 21, ठीक है। अब एरिया निकालता हूं मैं, एरिया इज इक्वल टू 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15, ये एरिया आप निकाल के मुझे दोगे कितना है, फैक्टर निकाल के और जो मेथड बताया गया है। क्लियरली दिख रहा है, एरिया बताओ, रूट में नहीं आएगा, सिंपल एक नंबर आएगा, एरिया निकाल के बताओ कितना आता है, ताकि आगे का प्रोसेस करेंगे हम। प्रेम ने पूछा कि व्हाट इफ एक सिंगल नंबर रह जाए, तो वो रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। एक नंबर के पेयर नहीं बन रहे बच्चे, तो वो रूट अंदर ही रहेगा, ठीक है। बताओ कितना आंसर आ रहा है, टेल मी द आंसर एरिया। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया मंथन ने, और कोई है जो कुछ और बताता हो,
डूइंग डूइंग ओके करो. आई एम जस्ट आई एम बैक विद इन अ मिनट. ठीक है, टिल देन आप क्वेश्चन करोगे. आंसर आया बेटा, एक्चुअली मेरी बॉटल बाहर रह गई थी तो बॉटल लेने गया था मैं. प्यास बहुत लगती है, मौसम ऐसा है. हाँ जी 84 सेंटीमीटर तो बहुत ही बढ़िया. क्लैपिंग 84 सेंटीमीटर मतलब बाघ पकड़ में आ रही है आपको. ये आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया. अब मैंने एरिया क्यों निकाला है? एरिया तो निकालना ही नहीं था ना ट्राइंगल का, लेकिन क्यों निकाला? क्योंकि मुझे हाइट चाहिए. अब देखो यहां मैंने हाइट बनाई, इसको मैंने एच, ठीक है. अब यही एरिया अगर मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करता तब भी यही एरिया आता. तो यानी हाफ इंटू बेस कितनी है 15 इंटू हाइट में करता तो 84 ही आता. एच इक्वल टू 84 इंटू 2 अपॉन 15 हो जाता, यानी 168 अपॉन 15 जो होती वो हाइट है इसकी. क्लियर है कहानी? अब मुझे बहुत कुछ नहीं करना है. अब मुझे क्या करना है बच्चे, यहां पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फाइनल आंसर, फाइनल स्टेप, सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? डायग्राम पे आ जाओ. 10 और 25 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? 168 अपॉन 15. तो ये होता है हाफ इंटू 35 इंटू 168 अपॉन 15. ये सॉल्व कर लो, बताओ कितना आता है. एंड दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. बोलो, तब तक मैं पानी पी रहा हूं. हाँ जी वेट कर रहा हूं आपका. आंसर का वेट करते हुए मेरा वेट खत्म हुआ, मतलब वेट मतलब इंतजार खत्म हुआ. प्रेम का आंसर आ गया बड़े प्रेम से 196. देखते हैं कि ये सही है या गलत है. ठीक है, ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं. इसकी जगह जब तक आप आंसर निकाल रहे हो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, हमारा टाइम सेव हो जाएगा फटाफट. हाँ जी 196, वेरी गुड वेरी गुड एंड वेरी गुड. यस इट इज 196 बिकॉज इसको कट करोगे 3 की 5 की टेबल से तो इट विल बी 3, दिस विल बी 7. इसको कट करोगे 84 और इसको कट करोगे तो इट विल बी 28. इसको मल्टीप्लाई करो, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर. करेक्ट है? सॉरी मार्कर गलत हाथ लग गया था, डार्क वाला ही लेंगे हम. अब एक क्वेश्चन आया बड़ा धमकाता हुआ हमें.
if the area of an isosceles, if the area of an isosceles right triangle, ठीक है, isosceles triangle नहीं है, right triangle है, is 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगा, छोटा मोटा क्वेश्चन है. What is the perimeter of the triangle? What is the perimeter of the triangle? ठीक है, अब इसका आंसर बिकॉज रूट में है और शायद आपको टाइप करने में रूट में दिक्कत है, तो मैं ऑप्शंस दूंगा आपको इसको. ए 8 प्लस रूट टू, बी 8 प्लस 4 रूट टू, सी 4 प्लस 8 रूट टू, या फिर डी 12 रूट टू. ठीक है, अगर एरिया 8 है. अच्छा, पहले डायग्राम बनाना, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल होता क्या है. पहले ये चीज नोटिस करो, आंसर अपने आप आएगा अभी तुरंत. डूइंग लिख देंगे, डूइंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे पता नहीं लगता ना, कई बार नेटवर्क में ऐसा था, नेटवर्क चला गया, बच्चे शांत बैठ गए. डूइंग, ठीक है, अर्षिता डूइंग, मंथन डूइंग, प्रेम यस, प्राइम डूइंग, दैट इज काव्य. हाँ जी, डूइंग 1 2 3 4 5 पीपल आर डूइंग गुड. आपको मिलता है मेरी तरफ से एक गुड. ओके, टेल मी, जल्दी ऑप्शन बताना है बस, और ऑप्शन आपको सॉल्व करना तो बहुत बड़ा काम नहीं है, ये छोटा सा क्वेश्चन है आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चों के लिए. हाँ जी, कुछ आंसर आया, अभी नहीं आया.
आज आपको एक और क्वेश्चन मैं होमवर्क पे दूंगा अभी आज, ठीक है। आज आपको एक क्वेश्चन होमवर्क पे दिया जाएगा, ये क्लास 5 से 10 मिनट और चलेगी क्योंकि शायद कोई प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है इसमें। लेट मी सी जितना भी मैं ले सकता हूँ क्लास, होमवर्क ये दूंगा अभी, मैं लिख देता हूँ। चलिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं, वो हटा दें। हाँ जी बच्चों, प्यारे बच्चों, आंसर आया या नहीं आया? बेटा आंसर नहीं आया, अगर आप चाहते हो मैं एक्सप्लेन कर दूं तो आप लिख दो। एक्सप्लेन क्या, एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, एएम। एएम मींस आस्क मी, मेरे से बताओ, एक्सप्लेन इट प्लीज। अच्छा, मेरी क्लास के लिए एक कोड डिसाइड कर रहा हूं मैं, एक कोड डिसाइड कर रहा हूं कि एएम यानी आस्क मी, मेरे से पूछ रहे हो आप तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ज्यादा टाइप नहीं करना पड़ेगा ना। हाँ सर, वीडियो इज नॉट वर्किंग। नाउ इज इट वर्किंग, इज इट वर्किंग ए एम, ओके। चलो देखो, हमने ये बोला कि एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है बच्चे, आइसोसेलेस, इसका अर्थ क्या होता है? पहले तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने, समझ लो ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, और शर्त क्या दी हुई है कि ये आइसोसेलेस है, यानी उसकी दो साइड बराबर होंगी। अब भैया ये तो हाईएस्ट साइड होती है ना, ग्रेटेस्ट साइड, तो ये तो इनके बराबर हो नहीं सकती, तो हम इसको मानते हैं कि ये दोनों साइड जो है इक्वल है, करेक्ट है। अब एक साइड को मैंने एक्स मान लिया, इसे भी एक्स मान लिया। एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया इज 8, राइट। तो देखो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करूंगा तो एरिया निकल रहा है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज एरिया। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इज नथिंग बट 4, राइट। तो ये 4 आ गया, ये भी 4 आ गया। अब आपको ये फाइंड करना है तो आप क्या यूज करोगे, यहां पे आप इसको ए मान लो। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप देखो, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 16 प्लस 16 दैट इज 32, सही है। यानी 8√2 हो गया, अगर आप रूट्स में निकाल रहे हो 8√2 आ गया, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, 4 प्लस 4 प्लस 8√2, 4 प्लस 4 प्लस 8√2 कितना आया, 8 प्लस 8√2। कहाँ है आंसर है? ओके, इट इज इट विल बी 4√2 ना, नॉट 8√2, क्योंकि 4 4 16 and 2 32, राइट। 8 प्लस 4√2 कहीं है? यस बिल्कुल है, बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ इट इज क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, बोल दो बेटा क्लियर है, समझ आ गया? नॉट क्लियरली मतलब समझ में नहीं आया या दिख नहीं रहा? वन टाइम प्लीज। ओके, देखो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये दो साइड इक्वल दे रखी हैं, पता नहीं है मुझे कितनी है, तो मैंने इसे x मान लिया दोनों को, ये तो पता ही नहीं थी। एरिया पता था 8, क्लियर है, ये लिख दिया एरिया, जो इंफॉर्मेशन पता थी वो लिख ली। अब एरिया का फॉर्मूला वैसे हीरोन होता है, लेकिन एक और फॉर्मूला भी तो होता है जब बेस और हाइट दी होती है। तो देखो ये बेस है, ये हाइट दी हुई है ट्राइंगल की, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करूंगा तो एरिया आ रहा है ना,
इससे मैंने एक्स निकाल लिया, यहाँ तक पकड़ में आ गई बात। अब ये भी फोर हो गया, ये भी फोर हो गया, दोनों फोर हो गए। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको फाइंड आउट कर लिया मैंने यहाँ, राइट है। उसके बाद पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर ही तो निकालना था मुझे, सम ऑफ ऑल साइड किया। क्लियर नाउ, जिन्हें क्लियर हुआ जिन्हें, मंथन को आ गया समझ में, जिन्हें को आया, यस सर, ओके। अच्छा एक ये क्वेश्चन है, होमवर्क में है, लेकिन शायद कहीं तकलीफ हो तो मैं इसको क्लास वर्क में ही ले रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। होमवर्क देने का विचार था बट सोच रहा हूँ कि ये खुद ही करा देता हूँ आपको। देखो अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड इक्वल है, इसमें मीडियन की लेंथ दे रखी है इन्होंने ए, मीडियन ए है, मुझे एरिया फाइंड करना है। अब मीडियन से एरिया कैसे फाइंड होगा, कैसे होगा देखते हैं। देखो क्या होता है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल मीडियन एंड एल्टीट्यूड आर सेम। तो मैं यहां लिख देता हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन जो होता है वो ही एल्टीट्यूड होता है, सेम चीज होती है, सेम एल्टीट्यूड, ठीक है। क्योंकि आप जब वो कॉन्ग्रेंसी करते हो तो इसको ये कॉन्ग्रेंट हो जाता है, सेम चीज आती है, राइट है। तो मीडियन और एल्टीट्यूड बराबर चीजें होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। ये ए दिया हुआ है, ये वाली लेंथ हमने ले ली एक्स, मतलब सारी लेंथ एक्स एक्स हो गई, क्लियर है। मेरा मोटिव क्या है कि मैं एक्स फाइंड करूं ए के रूप में, तभी तो एरिया निकालूंगा मैं ए के रूप में। देखो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इस मीडियन को मैंने एल्टीट्यूड ही बोला, एल्टीट्यूड इज मीडियन, मीडियन इज एल्टीट्यूड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, हर ट्राइंगल में नहीं, ठीक है। इस ट्राइंगल में अब जब ये मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी है तो इस वाली लेंथ को ये कितना बताएंगे, एक्स बाई टू, आधा कर दिया ना। अब मैं इस ट्राइंगल को पिक कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स बाय टू का स्क्वायर, ठीक है। एक्स फाइंड करना है तो एक्स को इधर ले आया मैं, बराबर एलसीएम लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए स्क्वायर अपॉन थ्री, एक्स इज इक्वल टू रूट करूंगा, ठीक है, यहां पे आ जाते हैं, x विल बी इक्वल टू टू, फोर का रूट टू, ए स्क्वायर का रूट a और रूट थ्री ये वाला, करेक्ट है। अब चाहो तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा लो, दोनों बातें सेम आएंगी, ठीक है। आंसर भी देख लेते हैं, हमारा आंसर बनाते हैं पहले, निकालते हैं ना। अब मैंने किया हाफ इंटू बेस, मैं ये निकाल चुका हूं, इंटू हाइट मेरे पास ए दे रखी थी, टू से टू कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर बाय रूट थ्री इज माय आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पकड़ में आया, क्लियर हुआ बात, पकड़ आ गई कि हाँ क्या कहना चाहते थे। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, कमेंट कर दो बेटा फटाफट कि ये समझ आ गया, ओके। अर्षिता ने बोला यस सर, ओके गुड। प्लीज सर एक्सप्लेन इट अगेन, ओके। ब्लू मार्कर ले लेता हूं मेरा लाइट वाला। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन की जिक्र किया हुआ है, बात चल रही है इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन। जब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लेते हैं ना, जैसे ये लिया हुआ है, इसमें मीडियन और एल्टीट्यूड सेम चीज होती है, सेम चीज होती है मीडियन और एल्टीट्यूड। तो हम एल्टीट्यूड को मीडियन या मीडियन को एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, दोनों का काम सेम होता है, इस लाइन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना और 90 डिग्री बोल सकता हूं मैं।
तो अगर मैंने ये वाली तो ए लेंथ दे रखी है, इस पूरी को अगर एक्स माना है तो सारी साइड एक्स है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू। अब मैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। ये मैंने करी हुई, आप खुद भी देखो कि यहाँ से एक्स ये वाला टर्म इधर आया, फिर एलसीएम लिया, फिर एक्स स्क्वायर थ्री नीचे चला जाएगा, फोर ऊपर चला जाएगा, देन रूट लगा दिया तो ये आ गया, राइट है। अब मेरे पास ये बेस आ गई, एल्टीट्यूड ऑलरेडी गिवन है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकाल सकता हूँ, वही मैंने किया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। नाउ इज इट क्लियर? Now got it? Yes sir. Okay beta. I will give you a photo of few question related to Heron formula आपकी practice के लिए, ठीक है? Keep studying, keep tuned with me, है ना? Next class में मिलते हैं हम. Thank you very much. Hope the lecture was interesting. समझ आई है कुछ चीजें, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ अलग सीखने को मिला.